क्या करूं, भाग जाऊं क्या? नहीं नहीं, ऐसे वो लड़की को प्रॉब्लम में छोड़ के थोड़ी भाग सकता हूं मैं। एक तो लड़की मुझे गुस्सा नहीं दिला रही है, परेशान नहीं कर रही है, लेकिन वो मुझे बहुत कंफ्यूज कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या करूं। इतनी रात को? रणबीर, अक्षय, हाय। हाय। लॉन्ग टाइम है। हाँ, लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं ना हम लोग, लॉन्ग टाइम। यस। अक्षय बोलो। तुम बोलो। नहीं, तुम कुछ कह रहे थे। नहीं, तुम बोलो ना, मैं सुनता हूँ, बोलो। ये भी ठीक है, मीका का भाई हूँ तो मेरा बोलना बनता है। रणबीर, अगर तुम मुझे किसी और हालात में मिलते, किसी और तरीके से, तो मैं बहुत खुश होता। इनफैक्ट मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता। लेकिन तुम आ गए इस घर में मीका का बॉयफ्रेंड बनके, इनफैक्ट इस घर के दामाद बनके। रणबीर, सच कहूं तो मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही, और मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि ऐसा सच में हो रहा है। तुम समझ रहे हो? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। गड़बड़ मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरा और मीका का रिश्ता जो है वो रियल नहीं है। कमाल की बात कर रहे हो अक्षय, ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ कि तुम्हारा और प्राची का रिश्ता मुझे। अरे, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था बात खत्म करने के लिए, पर ये इतनी छोटी सी बात के लिए इतना नर्वस कैसे हो गया, जैसे मैंने सच बोल दिया हो कुछ। सच में इसका जो रिश्ता है प्राची के साथ वो रियल नहीं है। अक्षय, मेरा कहने का जो मतलब था वो ये था कि दो लोगों का जो रिश्ता होता है ना, वो ज्यादती होता है, पर्सनल होता है। वो दो लोग ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जिनके साथ वो रिश्ता है। बाहर का तीसरा इंसान उस रिश्ते के बारे में क्या ही समझेगा, है ना? डोंट यू थिंक सो? अरे वो जी, आप क्या हो रहा है? हाँ, गप्पे शप्पे चल रहे खुले आसमान के नीचे। वो जी, ये रणबीर है, मेरा दोस्त। इनफैक्ट प्राची को प्रपोज करने में रणबीर ने मेरी बहुत हेल्प की। अच्छा है, गुड। वो जी, आप जानती, प्राची को मैंने कई बार प्रपोज किया लेकिन उसने हमेशा मुझे मना कर दिया। लेकिन उसके बाद रणबीर ने मेरी हेल्प की, एंड गेस व्हाट, प्राची ने हाँ कर दी। तब से मैं रणबीर को अपना लव गुरु मानता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है हिंजी, और सही टाइम पे आया भी है ये। मुझे फिर से लव गुरु की जरूरत है ना। डाउनलोड कीजिए Zee5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।